अगर कुछ नहीं, तू जानती है ना कि मैं दिल की मरीज़ हूँ। ज़ीशान जेल चला गया ना, तो मैं मर जाऊंगी, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाएगा। सी बातें कर, आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अमीजान, ये स्टाम्प पेपर है, इस पे तहमीना दस्तखत करते मैं अदालत में जमा करा दूं और इंशाल्लाह 10 दिन बाद उसके पैसे लौटा दूं। ये ले जा और तहमीना से बात कर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम शादी कर लेते हैं, बाद में मैं अब्बा और आपा को खुद बता दूंगा। जो आप कबूल नहीं कर रहे, वो बाद में क्या कबूल करेंगे? बाद में कबूल कर लेंगे, उनकी मजबूरी होगी। और मुझे किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना। अब जाए यहाँ से। तहमीना मेरी फखर, अब जाए यहाँ से। हाँ, जैसा कह रहा हूँ ना वैसा कर। 25 पेटी मियां नदीम को भेज दे। ओके। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। वालेकुम सलाम भाई। ज़ीशान आया था फिर? कह रहा था कि 8 लाख इकट्ठे किए हैं, अगर 12 लाख शौकत भाई दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लगता है बेचारा मुश्किल में है। बुलाओ से, आके आके पैसे ले जाए। भाई वो आपसे इतनी बदजुबानी करता है और आप उसकी मदद कर रहे हैं? पार्टनर है मेरा, पैसे नहीं देगा तो प्रॉफिट से काट लूंगा। आप भी बहुत सीधे हैं, यही तो वक्त है जान से जान छुड़ाने की। क्या मतलब? मतलब ये कि 12 लाख में 30% ज़ीशान का शेयर अपने नाम लिखवा लें। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। तू तो बहुत सियाना हो गया, बड़ी दूर की लाया। फोन कर, रात को बुलाओ से। हाँ ज़ीशान, शौकत भाई ने तुझे बुलाया, आज ही रात को। ओके। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई। तहमीना, तुम हर बार गलती करती हो और फिर मैं तुम्हें माफ कर दूं। बस कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो, फिर बोला करो। अच्छा ना, अब माफ भी कर दो। ठीक है नाजिया, तुम कहती हो ना तो जाओ, माफ किया मैंने तुम्हें। अच्छा फखर भाई, जब मैं आपके घर आई थी तो आप इतना घबराए हुए क्यों थे? नाजिया छोड़ो इस बात को, तुम अपनी सहेली से ये तो पूछ के बताओ कि कब कर रही है शादी। हाँ मेरी सहेली, कब कर रही हो शादी? मुझे क्या पता, जैसे तेरी मर्जी वैसी मेरी मर्जी, अब तो ही तो मेरा सब कुछ है। तो फिर ठीक है, कल रात 8 बजे मेरी प्यारी सी तहमीना का निकाह फखर से होगा, मंजूर है? मुझे तो मंजूर है, कल क्यों, आज रात ही 8 बजे कर लेते। मुझे मंजूर नहीं है। सोच ले, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। मुझे उधार चाहिए था शौकत, और तू उधार देने की बजाय मेरे ही कारोबार पर कब्जा करना चाहता। जीने, ये रकम लाकर में रख दे। एक मिनट शौकत भाई, देख शान, तूने अगर पैसे ना उतारे पार्टी को तो तेरी ही पार्टी तू अंदर करवा देगी, और अगर तू अंदर हो गया तो कारोबार को कौन देखेगा? स्टाम्प पर साइन कर, पैसे ले, अपना टाइम निकाल भाई, अल्लाह करम करेगा। कल शौकत भाई के साथ फिर तू पार्टनरशिप कर ले, क्�
क्यों शौकत भाई? मुझे कोई एतराज नहीं। सोच क्या रहा है? सोची पिया तो बंदा गया यार, इतनी गर्मी में जेल में उबली भी दाल, मोटी मोटी रोटियां, कैसे रहेगा यार? साइन कर। मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई। तो भाई अपना जब भी दिल चाहे बिना झिझक आके मैच खेल सकता है। 2 लाख तक की इजाजत है। जीने बड़ा शरारती है तू। तो तू चाहता है कि मैं तेरी शादी में गवाह बन जाऊं? अब बिल्कुल ठीक समझा। लेकिन तू ठीक नहीं समझा। क्या मतलब तू गवाह नहीं बनेगा? यार अगर कल तो फैल अंकल या फरवा को पता चल गया जूते मारेंगे वो मुझे। अच्छा तो अब तू यार की खातिर 2 जूतियां भी नहीं खा सकता? फखर है, एक औरत दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी मान, ये दूसरी शादी का जो इरादा है ना वो तर्क कर दे। देख मेरे भाई, अगर तूने गवाही नहीं देनी तो ना दे, और ये लेक्चर भी ना दे। ओए 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 भाई, ओए यार तू बात बात पे लड़कियों की तरह नाराज क्यों हो जाता है? रास्ता छोड़ मेरा, पीछो। कितने बजे? 8 बजे। कहाँ? तहमीना के घर। डन, याद से आना और अपना शनाख्ती कार्ड लाना मत भूलना। साइड पे हो, मुझे बहुत सारे काम है। हाँ फखर। या अल्लाह मेरे बच्चे की मुश्किलें आसान कर दे, या अल्लाह पैसे का बंदोबस्त कर दे, या मेरे मालिक ना पैसों का बंदोबस्त हो रहा है और ना उस तहमीना को मौत आ रही है। आ गया बेटा, मिली रकम? जी अम्मा, पैसों का बंदोबस्त हो गया। शुक्र है मेरे मालिक। अब जा और इस तहमीना के मुंह पे दे मार। पैसे तो मिल गए अम्मा, लेकिन मेरा कारोबार बिक गया। क्या कारोबार बेच दिया? हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। सब उस कमबख्त मारी तेरी चोरी की वजह से हुआ। ना वो कमबख्त मारी तहमीना के हक में गवाही देती और ना तू सड़क पे आता। तू फिक्र ना कर अम्मा, एक बार बस मैं तहमीना से निपट लूं, फिर रुखसाना का भी बंदोबस्त करना है मुझे। छोड़ना नहीं है इसे। ना करे ऐसा ही हो। फखर, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, वो बस ऐसे ही ऑफिस की परेशानी है। तो परेशानी का कोई हल तो होता है ना? हाँ वही सोच रहा हूँ। मेरी माँ ने तो जॉब छोड़ दे। इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। जी? मेरा मतलब है इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे ना। राजिक तो अल्लाह की जात है ना। बेशक। तुमने वो कल के लिए मेरी पैंट शर्ट प्रेस कर दी है ना? अब शादी में पहनने के लिए। शादी? हाँ, आप ही ने तो बताया था कि आपका दोस्त यासिर एक गरीब और बेसहारा लड़की से दूसरी शादी कर रहा है। हाँ, मैंने ही कहा था। देखा, मैंने सही कहा था ना कि आपने वो सूट शादी पे ही पहनना है। हाँ, बल्कि मुझे ये भी याद है,
तुमने कहा था कि अगर वो दोनों को खुश रख सकता है तो उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह उसे खोया हुआ प्यार भी वापस मिल जाएगा और उस गरीब और बेसहारा लड़की की मदद भी हो जाएगी, है ना? याद है ना? और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। तुम बहुत प्राउड मानोगे। थैंक यू। अच्छा अब ये दूध का ग्लास तो पी लें। हाँ। फरवा फखर आंखें खोले। फखर नहीं फरवा। फखर आंखें खोले। फखर क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं? अब लगता है मैं ख्वाब देख रहा था। सोना ख्वाब? अच्छा पानी का ग्लास पी और दाई करवट बदल के सुन। ये क्या है? रकम वसूली की रसीद है ये। दे रसीद। रकम दे, रसीद ले। चल शास्ता बात सुने, आज से आपका और हर हिसाब खत्म। मैं जानती हूँ आप लोग कितने चला शैतानी दिमाग है आपका, लेकिन आज के बाद गलती से भी मेरे रास्ते में मत आना। आज मैं आप लोगों से हर रिश्ता खत्म कर रही हूँ। आप लोग मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए। बच्चे तुम खुद बता दो ना उसको। नहीं आपा, मुझे देखना है कि फखर को आज का दिन याद भी है या नहीं। वो इतना काम में वो बिजी रहता है,
भूल गया होगा, जहन से निकल गया होगा। इतना जरूरी दिन वो कैसे भूल सकता है? हो गया पापा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आज क्या है? आज क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ये जिंदगी का इतना अहम दिन भूल गए हैं। अहम दिन? मैंने कहा था ना, भूल जाएगा। पापा बात क्या है? आज आपकी शादी का दिन है और आप भूल गए। शादी? देखो फरवा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं सोचा था कि थोड़े से हालात बेहतर हो जाए तो मैं तुम्हें खुद ही। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप आपको शादी वाली बात का कैसे पता चला? तुम्हारी शादी के बारे में मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? फरवा प्लीज, मैं तुम्हें बता देता, लेकिन आप प्लीज इसे कहिए ना कि गुस्सा मत करे, इसे कहिए मुझे माफ कर दे। परवा, माफ कर दो इसको। अच्छा फखर, तुम ऐसा करना, आते हुए केक ले आना, इकट्ठे काटेंगे। केक? हाँ भाई, तुम्हारी शादी की सालगिरह का केक। हाँ, अहम दिन, शादी की। पर अभी तो हमारी शादी को एक साल हुआ ही नहीं। देखो फगन, जिस दिन हमारा निकाह हुआ था उस हिसाब से एक साल पूरा हो गया, रुखसती बाद में हुई तो क्या हुआ? हाँ ये भी सही है, निकाह को साल हो जाए तो सालगिरह तो बनती है। अब मैं यासिर की शादी में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अगर अरेंजमेंट्स में जहन से निकल गया, केक लाना जल्दी ना आ सका तो प्लीज। हाँ अच्छा भाई, तुम रहने देना, केक मैं खुद ही ले आऊंगी, तुम ऐसे करना कि घर टाइम से आ जाना। ठीक है। यासिर का फोन आ रहा है। हेलो फखर, कहाँ हो? मैं घर पे हूँ, अभी बस निकल ही रहा था। दिल की हालत कैसी है? अब हालत ठीक है, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, कोई पास है? हाँ, आपा हैं घर पे। आपा को मेरा सलाम कहो। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। प्लीज आपा को मेरा सलाम कहो ना। अच्छा, आपा यासिर आपको सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम। आपा कह रही है वालेकुम सलाम, बोल दिया। आपा को भी साथ ले आओ। हाँ, नहीं वो नहीं हो सकता। हाँ मैं आ रहा हूँ। अभी मत आना, अभी मुझे पॉलर जाने तैयार होना है। हाँ बिल्कुल ठीक है। फखर, आज रात को बारात लेकर ही आना, कोई मसला तो नहीं होगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। ओके ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।